हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का केल्विन्स मेथड। ये केल्विन्स मेथड जो है वो क्यों यूज होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था मीटर ब्रिज, और उसके भी पिछले वीडियो में हमने देखा था वेस्टर्न ब्रिज। जो मीटर ब्रिज है वो वेस्टर्न ब्रिज का एप्लीकेशन है, और ये जो केल्विन्स मेथड है वो क्या है, मीटर ब्रिज का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे बताने का मतलब। आपको एक केल्विन्स मेथड समझ में नहीं आएगा जब तक आपको मीटर ब्रिज समझ में नहीं आता है, और मीटर ब्रिज आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको वेस्टर्न ब्रिज समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले, केल्विन मेथड देखने से पहले, आप मीटर ब्रिज और वेस्टर्न ब्रिज देख लो। सबसे पहले आप वेस्टर्न ब्रिज का वीडियो देखो, उसके बाद में मीटर ब्रिज का वीडियो देखो, उसके बाद में केल्विन का देखना। नहीं तो डायरेक्ट अगर आप केल्विन का देखने जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं वेस्टर्न ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए केल्विन मेथड सीखने से पहले हम थोड़ा मीटर ब्रिज रिवाइज कर लेते हैं। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की है ये केल्विन मेथड के लिए नहीं है, ये है मीटर ब्रिज की डायग्राम। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद केल्विन मेथड वाली डायग्राम बन जाएगी। तो दोस्तों मीटर ब्रिज में क्या होता था, ठीक है, जो मीटर ब्रिज होता था वो यूज किया जाता था अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, वही यूज किसका था, वेस्टर्न ब्रिज का था, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसमें क्या किया जाता था, कंस्ट्रक्शन कैसा था मीटर ब्रिज का, एक ए वाला एल शेप्ड, ये दूसरा एल शेप और ये तीसरा सिंपल रेक्टेंगुलर, क्या थे ये तीनों, मेटेलिक स्ट्रिप्स थे जो कि बने हुए होते हैं कॉपर के। ठीक है, उसके बाद में ये जो होता है एल जी मतलब लेफ्ट गैप, आर जी मतलब राइट गैप होता है। जिस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उस अननोन रेजिस्टेंस को जनरली या यूजुअली, जरूरी नहीं कि उधर ही हो, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं उसको लेफ्ट गैप में कनेक्ट करते हैं। अननोन है इसके लिए उसको एक्स लिख देते हैं, और राइट गैप में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स किस लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, इसको कभी चेंज नहीं करते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में हम रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद में ये जो दो एल शेप स्ट्रिप्स है उसके बीच में हमने एक स्केल डाली है, ये जो है ये इतना पोर्शन जो है वो स्केल है, ठीक है, ये इतना स्केल है, वो स्केल की लेंथ होती है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, उसी के लिए। और उसके ऊपर जो वायर होता है ए बी, तो इस वायर का लेंथ भी हो जाता है 1 मीटर। तो इसी की वजह से इस डिवाइस या फिर इस सर्किट अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो वायर यूज की होती है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। और वायर कैसी होनी चाहिए, वायर थिन, होमोजीनियस एंड विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए। पतली होनी चाहिए, बहुत होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब एक की प्योर मेटल की होनी चाहिए, और कहीं पे मोटी कहीं पे पतली नहीं होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन जो होता है वायर का वो एकदम सही सही होना चाहिए, ठीक है, एक समान होना चाहिए हर जगह पे। उसके बाद में इस वायर के अक्रॉस में हम ईएमएफ डिवाइस मतलब बैटरी, बटन मतलब की, ठीक है, और रियोस्टेट, इन तीनों को एक दूसरे के साथ किस में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और ये हो जाता है हमारा मीटर ब्रिज का सर्किट कंप्लीट, ठीक है। फिर हम वर्किंग कैसे करते थे, की को क्लोज करते थे, ठीक है, की को क्लोज करने के बाद इसको बोलते हैं जॉकी, इसको बोलते हैं जॉकी, ये होता है गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर का यूज हमने वेस्टर्न ब्रिज में भी पढ़ा था, अभी भी आपको बता देता हूँ, गैलोनोमीटर यूज होता है छोटे से छोटा करंट मेजर करने के लिए। जो करंट मिली एम्पियर में होता है या उससे थोड़ा छोटा होता है वो कम से कम छोटा छोटा करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर एमीटर से ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो देखो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, की को क्लोज करते हैं, और ये जो अरेंजमेंट होती है इतनी वो क्या होती है, टेम्पररी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, टेम्पररी कनेक्शन जोड़ने के लिए, किसका किसका, ये स्ट्रिप का और ये वायर का। देखो ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप वायर के साथ कनेक्ट है, ये वाली कनेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट ये वाला कनेक्शन बनाने के लिए हम जॉकी और गैल्वेनोमीटर वाला सर्किट यूज करते हैं। दूसरा जगह अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही की क्लोज करते हैं हम इस जॉकी को उठा के ये ए पॉइंट पे रखते हैं। ए पॉइंट पे रखने के बाद गैल्वेनोमीटर कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखाया एक साइड में,
ठीक है। उसके बाद में जॉकी को उठा के बी पॉइंट पे रख दिया, पहले डिफ्लेक्शन इधर था, अभी अगर डिफ्लेक्शन इधर दिखा रहा है तो ये जो सर्किल अरेंजमेंट है वो ओके है। अगर डिफ्लेक्शन दोनों बार एक ही साइड में जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू से अलग अलग रेजिस्टेंस ढूंढ के पहली बार का डिफ्लेक्शन इधर लाना पड़ता है और दूसरी बार का डिफ्लेक्शन इधर लाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा हम अरेंजमेंट कर देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में इस जॉकी को हम टैप करते जाते हैं। जॉकी स्लाइड होती है लेकिन स्लाइड नहीं करने का, जॉकी को टैप करने का मतलब रखने का उठाने का, रखने का उठाने का, ऐसे स्लाइड नहीं करने का, ठीक है। स्लाइड करेगा तो एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं होगा। तो उसके बाद में हम क्या करते थे, जॉकी को यहाँ पे रखते थे, ठीक है, डिफ्लेक्शन देखते थे, बाद में यहाँ पे देखते थे, डिफ्लेक्शन देखते थे, ये दोनों पॉइंट्स हो गए, बाद में यहाँ पे रखेंगे, बाद में यहाँ पे रखेंगे, ऐसा सेंटर के करीब करीब दोनों साइड से, दोनों साइड से सेंटर के करीब करीब आते जाएंगे। हमें एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का नाम रहेगा डी, उस पॉइंट का नाम रहेगा डी। डी पॉइंट पे क्या होगा मालूम है, ये जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जीरो। और जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है तब ये जो पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, और दूसरा नाम है उसको बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है, कई कई पे बैलेंसिंग पॉइंट उसको नाम दिया गया है। ये हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो ए रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें मालूम होता है, ठीक है, ए रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, और वेस्टर्न ब्रिज अगर आप देखोगे तो उसमें चार रेजिस्टेंसेस होते हैं, लेकिन हमें एक अननोन रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक नॉन रेजिस्टेंस दिख रहा है, दो रेजिस्टेंसेस हमें दिख नहीं रहे। तो दो रेजिस्टेंस कहां से लाते हैं, तो एक रेजिस्टेंस होता है वायर का ही, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस। और वो ढूंढने के लिए हमने किसका सहारा लिया था, वो ढूंढने के लिए हमने सहारा लिया था, एक कंसेप्ट था, उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जो आपका इलेवंथ में है, जो आपका इलेवंथ में है, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से, किससे डिनोट करते हैं रो से। तो यहां से यहां तक का वायर को समझो लेंथ एलएक्स था, और यहां से इतना कितना था लेंथ एलआर था, तो ठीक है। तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना आ जाता था, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था रो एल अपॉन ए, तो ठीक है, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर एक्स। रो जो होता है दिए हुए मटेरियल के लिए कॉन्स्टेंट होता है, वायर एक ही है पूरी, तो रो कॉन्स्टेंट रहेगा पूरा। यहां से यहां तक का लेंथ है एल एक्स, और एरिया यूनिफॉर्म है तो एरिया भी कॉन्स्टेंट रहेगा। दूसरी तरह पे अभी ये आर आर, आर आर उसी तरह से कैसे निकलेगा, रो कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, लेंथ एल आर और एरिया कॉन्स्टेंट, तो आर एक्स अपॉन आर आर क्या हो जाता था, एल एक्स अपॉन एल आर हो जाता था, क्योंकि रो ए कट हो जाता था। बाद में वेस्टर्न ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, अभी जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट जीरो हो जाता है, हम इसको बोलते हैं कि मीटर ब्रिज बैलेंस हो गया है। और जब मीटर ब्रिज बैलेंस हो जाता है तब हम देखते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन RS, मतलब क्या होता था, ए पी होता था, ए क्यू, ए आर और ए एस होता था, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते थे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो उसके तरह से यहाँ पे क्या हो जाता था, X अपॉन R इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, ऐसा हमें फॉर्मूला मिला था। कब होता है ये, जब मीटर ब्रिज बैलेंस हो जाता था। तो ये हो गया आपका मीटर ब्रिज का थोड़ा सा रिवीजन, ठीक है, डिटेल वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है। तो अभी केल्विन मेथड में क्या होता है, तो केल्विन मेथड का सबसे पहले यूज समझ लो। केल्विन मेथड का यूज होता है, केल्विन मेथड का यूज होता है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी मीटर हम यूज करते हैं, हर एक डिवाइस को, हर एक मीटर को कुछ ना कुछ खुद का रेजिस्टेंस होता है, हमारा भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। और जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस बनता है ये भी कुछ ना कुछ मटेरियल से बना है, तो उस मटेरियल से बना है तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस, मतलब किसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढना है, वो किसने ढूंढा था, केल्विन ने
किसका यूज करके, मीटर ब्रिज का यूज करके, इसलिए उसको बोलते हैं केल्विन्स मेथड, केल्विन ने बनाया था इसलिए। तो देखो मीटर ब्रिज में हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें फाइंड करना है, उसको हम किसमें कनेक्ट करते हैं, लेफ्ट गैप में कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को यहां से निकाल लेंगे, गैल्वेनोमीटर को यहां से निकाल देंगे, निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट जो आगे तक वायर जाएंगी, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढना है तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दो यहाँ पे लेफ्ट गैप में, ठीक है। ये हो गया अभी हमारा गैल्वेनोमीटर वाला, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो डिवाइस या फिर जो कंस्ट्रक्शन लगेगा वो, इसी को हम बोलेंगे केल्विन मेथड की डायग्राम, केल्विन मेथड की डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे एल एक्स था तो अभी क्या हो जाएगा, ये एल जी हो जाएगा बाद में। अभी क्या करेंगे, जो मीटर ब्रिज में हम यूज करते थे सेम वही, लेकिन सबसे मेन डिफरेंस है मीटर ब्रिज वाला सर्किट उसका वर्किंग और केल्विन मेथड का वर्किंग। बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस ये है कि मीटर ब्रिज में हम क्या ढूंढते थे, मीटर ब्रिज में हम ढूंढते थे जीरो डिफ्लेक्शन, क्या होता था, जीरो या फिर नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर हम ढूंढते थे नल पॉइंट, सारा एक ही। लेकिन केल्विन मेथड में वैसा नहीं होगा, केल्विन मेथड में वैसा नहीं होगा, केल्विन मेथड जो है वो है इक्वी डिफ्लेक्शन मेथड, इक्वी डिफ्लेक्शन मेथड। अब इक्वी डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो वर्किंग तो लगभग वैसा ही रहेगा जैसे मीटर ब्रिज का है, क्या करेंगे सेम लिखेंगे हम, तीन मीटर स्ट्रिप से, ठीक है, उसकी वजह से दो गैप बनेंगे, जिसका रेजिस्टेंस ढूंढना है गैल्वेनोमीटर का तो गैल्वेनोमीटर को लेफ्ट गैप में कनेक्ट कर देंगे, और जो नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको राइट गैप में कनेक्ट कर देंगे। वायर कैसी है, थीन है, यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली है, लेंथ कितनी है 1 मीटर है, उसके बाद में ईएमएफ की रियोस्टेट आरएच के सारे सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस द वायर, ठीक है। उसके बाद में ये जो स्ट्रिप सी है वो क्या है, किसके साथ कनेक्टेड है, जॉकी के साथ कनेक्टेड है, जॉकी क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है वायर पे टेम्पररी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। वर्किंग में क्या होगा, वर्किंग जब करेंगे तो क्या कर देंगे हम, की को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी की को क्लोज किया तो की को क्लोज करने के बाद अभी देखो क्या होगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट फ्लो होने लग जाएगा, कौन सा करंट, जिसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट, कौन सा करंट, स्टेडी करंट फ्लो होने लग जाता है, स्टेडी करंट फ्लो होने लग जाएगा, यहां से बाकी का वायर में चल जाएगा, बाकी ये मेटल स्ट्रिप में जाएगा, ऐसा जाएगा गैल्वेनोमीटर में जाएगा, करंट किसमें से जाएगा, गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला जो करंट होगा स्टार्टिंग वाला, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन थोड़ी ना दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर कौन सा कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू दिखाएगा, जितनी करंट की वैल्यू होगी उतनी डिफ्लेक्शन होगी। तो मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ इनिशियल नॉन जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, करेक्ट है। और डिफ्लेक्शन हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और डिफ्लेक्शन हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। देखो वर्किंग कैसे लिखोगे, क्लोज की के, ठीक है, सो दैट द स्टेडी करंट, द स्टेडी करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है, द करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दिस करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सो गैल्वेनोमीटर विल शो सम नॉन जीरो डिफ्लेक्शन, दिस इनिशियल नॉन जीरो डिफ्लेक्शन शुड बी नोटेड, जो इनिशियल नॉन जीरो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, नोट कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी किसका काम आ जाता है, जॉकी का काम, अभी आ जाता है जॉकी का काम, जॉकी को क्या करना, स्टार्टिंग में फिर वही अपोजिट एंड्स पे रखना वायर के, टेक जॉकी एंड पुट द जॉकी ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ द वायर, अपोजिट एंड्स ऑफ द वायर, एंड चेक द डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन शुड बी ऑन अपोजिट साइड, जैसे मीटर ब्रिज में होता था, ठीक है, ए पॉइंट पे रखेंगे तो डिफ्लेक्शन इधर चले जाना चाहिए, बी पे रखेंगे तो डिफ्लेक्शन उधर चला जाना चाहिए, ठीक है। पुट द जॉकी ऑन बोथ एंड्स ऑफ द वायर एंड चेक द डिफ्लेक्शंस, डिफ्लेक्शंस शुड बी ऑन अपोजिट साइड्स, ओके। उसके बाद में अगर वैसा नहीं रहा तो
if deflection are not on opposite sides, change the value of resistance in the resistance box, ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद में टैप द जॉकी ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द वायर एंड ऑब्टेन अ पॉइंट डी। अभी डी पॉइंट कैसा मिलना चाहिए, एट विच द गैल्वेनोमीटर विल शो द सेम डिफ्लेक्शन। अभी जीरो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अभी क्या होगा, सेम डिफ्लेक्शन, एट विच द गैल्वेनोमीटर विल शो द सेम डिफ्लेक्शन एज द इनिशियल नॉन जीरो डिफ्लेक्शन विच वॉज नोटेड अर्लियर। जो हमने जैसे ही की क्लोज करने के बाद हमको गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला क्या दिख रहा था, हमको करंट दिख रहा था, ठीक है, जो करंट हमने नोट कर लिया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अभी जैसे ही इस जॉकी को टैप करते करते आएंगे हम, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने अर्लियर पिछली बार जो डिफ्लेक्शन दिखाया था, जो हमने नोट कर लिया था, उतना ही डिफ्लेक्शन हमें दिखाएगा, वो पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए। मतलब क्या, जो इनिशियल नॉन जीरो डिफ्लेक्शन वो वाला डिफ्लेक्शन और एक पॉइंट डी पे डिफ्लेक्शन, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। अभी दोनों इक्वल होने चाहिए, इसके लिए केविन मेथड को क्या बोलते हैं, इक्वी डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट मिलने के बाद एक्सपेरिमेंट को रोक देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मेजर द लेंथ एडी एंड द लेंथ डीबी, लेट एलजी बी द लेंथ एडी एंड एलआर बी द लेंथ बीबी, ठीक है। अभी पीछे जाओ, मीटर ब्रिज का डायरेक्ट कंसेप्ट, सो यूजिंग द मीटर ब्रिज कंसेप्ट वी कैन डायरेक्टली राइट, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस कितना है, आर इज इक्वल टू ये क्या है, एल जी अपॉन एल आर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो पहले जो डिफ्लेक्शन था, ठीक है, वही लास्ट में भी मिल रहा है, पहले जो करंट पास होता था वो किसमें से जा रहा था, ऐसा, इसमें से नहीं, ठीक है। अभी जब कनेक्शन कर रहे हैं फिर भी जो पहले वाला डिफ्लेक्शन था वो, मतलब क्या है, यहां से यहां तक जाने वाला करंट कितना दिख रहा है हमें, जीरो, या फिर वो सर मीटर क्या हो गया आपका, एक तरह से बैलेंस हो गया। पहले जो डिफ्लेक्शन था जॉकी को सर्किट में रखने से पहले, वही डिफ्लेक्शन जॉकी को इधर रखने के बाद भी है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया है, आपका मीटर ब्रिज बैलेंस हो गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लेंथ ढूंढना तो बहुत ही आसान है, नीचे स्केल लगाई हुई है, लेंथ मेजर कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जी अपॉन आर, कुछ बड़ा नहीं है, एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी। अभी ये 100 माइनस एल जी क्यों निकाला है, क्योंकि इस वायर का लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर, अगर 100 में से इतना है 40 है तो इतना क्या हो गया, 100 माइनस 40, तो ये ऊपर का 40 है तो नीचे का लेंथ कितना आएगा, 100 माइनस 40, करेक्ट है, इतना भी ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा। और एक कंसेप्ट याद रखना कि लेंथ कितना होता है इस वायर का, लेंथ होता है 1 मीटर। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। बस यही था हमारा केविन मेथड, जो कि है मीटर ब्रिज का मॉडिफिकेशन। तो इसमें एरर कौन से आएंगे, एरर्स वही आएंगे जो मीटर ब्रिज के टाइम पे आए थे, ठीक है, जो हमने मीटर ब्रिज वाले वीडियो में देखे है, वीडियो बड़ा करने में कोई मतलब है नहीं, और वही वापस उस एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे हमने मीटर ब्रिज के एरर मिनिमाइज किए थे। मीटर ब्रिज का वीडियो आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक केविन मेथड समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।